महिंद्रा बोलेरो पीजो का ये टाइमिंग प्लेट लगानी है फ्रंट से, कैसे लगेगी यार वो जिस तो डाला था ये है क्रैंक का गियर एडजस्टर तो ये है कीम का गियर और ये है पंप का गियर, ये एक ऑयल है जो इसको लुब्रिकेट करेगा पंप के गियर को, ये लगा रखा है एक बेंजो और एक ये टी। अभी ये फ्रंट से खड़ा है इंजन, तो एक तो ये जो पत्ती है ये टाइमिंग कवर टाइमिंग प्लेट, जो टाइमिंग प्लेट है इसका जो कट है ये जो कट है लाया था उसने बोल्ट अंदर 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 बोल्ट यहाँ फंसेगा और एक बोल्ट लगेगा, ये बोल्ट लग रहा है पर ये जो प्लेट है इस केम में ही फंसेगा ये, और एक ये बोल्ट है एक ये बोल्ट है एक ये बोल्ट है। हाँ टोटल देखना बोल्ट कितने हैं, एक बोल्ट दो बोल्ट तीन बोल्ट और एक ये केम के पीछे चार बोल्ट, ये है चार बोल्ट और ये प्लेट इस पीछे की केम में और कुछ भी नहीं है। इसका क्या बता रहा था किसका, इसको क्या बोलते हैं नाम, ऑयल का वो है, यहाँ से ऑयल आएगा इस अडेप्टर के थ्रू और गियरों को लुब्रिकेशन करेगा ये पंप के गियरों को। इसमें एक पतला ये मोटा है, देखो ये होल मोटा है, ये है पतला, तो ये पतला वाला अंदर रहेगा, ये पतला वाला अंदर रहेगा, ये मोटा वाला जो होल है ये बाहर रहेगा, मोटा वाला होल बाहर रहेगा, पतला वाला अंदर रहेगा। अगर मोटा वाला अंदर रखें तो लीक हो सकता है ऐसे, इसलिए पतला वाला अंदर रखें, पतला वाला ये होल अंदर रखना है। देखो ये पतला होल है ये मोटा होल है, इसमें एक कट भी बना हुआ है ये ऐसे, और ज़्यादा स्पेस है कम स्पेस वाला अंदर ऐसे करके लग जाएगा। वो आ रहा मेरा दबड़ कर लगी रहा मेरा लगी रहा मतलब कि भाई यार लगा मेरा पता की लगे जाता यार उससे दो तीन बार साथ में सर बैठ के जुगाड़ करो ये लगा रहा हूँ मैं ऐसे लग जाएगा ये और ऐसे लग जाएगा ये लग जाएगा ऐसे ठीक है और एक बार फिर बताता हूँ ऐसा लग जाएगा केम का गियर क्रैंक का गियर केम का गियर पंप का गियर इसमें लॉक होगा ये जो टाइमिंग प्लेट है इसी में लॉक होगा और एक बोल्ट ये चार बोल्ट रहेंगे इसमें टोटल चार बोल्ट रहेंगे एक ये दो तीन और एक इसके पीछे चार ये है इसका प्लेट। धन्यवाद।